तो वहीं उत्तराखंड में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज चेक पोस्ट से पुलिस और एसओसी की संयुक्त टीम ने फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी 2013 से ही फरार चल रहा था, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए एसएसपी ने अपराधी की धरपकड़ के लिए पुलिस और एसओसी संयुक्त टीम का गठन किया। इसके अलावा आरोपी पर अलग अलग थानों में धोखाधड़ी और ठगी के 17 मुकदमे दर्ज हैं। बार बार लोकेशन बदलने की वजह से आरोपी को पकड़ने में पुलिस को हालांकि दिक्कतें हो रही थी, लेकिन लगातार चेकिंग करने और सक्रिय रहते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच का इनका ऊपर बैंक्स का बकाया था, तो उसी क्रम में इनपे अलग अलग जगह पे हमारे डालनवाला, नेहरू कॉलोनी, पटेल नगर क्षेत्र में इनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और इनको इसको जो है काफी समय से पुलिस ट्रेस कर रही थी। इसी क्रम में पता लगा इसका मूल जो घर है वो टिहरी है, उससे वहां पे बातचीत करने के उपरांत और मुखबिर लगाने के उपरांत ये पता चला कि ये दिल्ली में मुनिरका में कहीं पर रह रहे हैं। Thank you.